ओके अपने को ना वो सनलाइट डालना है। हम लोग ने देखा था रेक्टेंगल लाइट्स वगैरह हम लोग ने डाला है ऑलरेडी रूम में, ठीक है। अभी सनलाइट डालेंगे हम हाँ लोग। सनलाइट बेसिकली क्या हो रहा है, तो कुछ हम लोग जो जैसे देखते हैं अपना नेचुरल सन आता है, विंडो ओपन किया तो उसका रिफ्लेक्शन आता है, वो कितना दूर मतलब सन का डायरेक्शन जैसे चेंज होता है उतने डायरेक्शन में अपना को ये सन का रिफ्लेक्शन अंदर आता है ना। कभी कभी टाइम कम हो जाता है तो क्या होता है सनलाइट का इफेक्ट भी कम होते जाता है, बराबर। तो वो अपने को यहाँ पे दिखाना है, जहाँ पे विंडो डालोगे उधर ही सनलाइट डालो। वॉल की तरफ से तो सनलाइट का लाइट आएगा नहीं ना, विंडो से ही आएगा जहाँ पे हम लोग ने ग्लास मटेरियल वगैरह डाला है, बराबर। यहाँ पे इधर से अपने को सनलाइट डालना है। क्या करूँगी अभी, लाइट्स वीरे लाइट्स और वीरे सन लाइट ये लेना है। सनलाइट को बाहर से अंदर लेके आना है। क्या करना है पहले दिखाती हूँ मैं फिर से, बाहर क्लिक करना है और फिर उसको अंदर मूव करके लेके आना है। फिर वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू ऑटोमेटिकली ऐड वीरे स्काई एनवायरनमेंट मैप, तो इसको ओके कर देना, यस करना है। इसको भी यस करना है क्योंकि नेचुरल लाइट आना चाहिए, इसके लिए हम लोग उसको यस कर रहे हैं, समझा क्या। फिर हाँ, वो ऑप्शन दिखा ना एक बार। ये देखो ना वीरे सन, हाँ ओके। अभी मैं टॉप व्यू में हम लोग ने लाइट डाला था ना, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर देंगे और ये लाइट को ऊपर मूव कर देना है, एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, मिनिमम हाइट पे रखो। मिनिमम, ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं रखना, नीचे रखेंगे तो लाइट दिखेगा नहीं, तो मिनिमम हाइट पे ये सनलाइट को रखना है, ऐसे दिखेगा वो फिर, ओके। सनलाइट डालने के बाद उसका कुछ मॉडिफिकेशन भी है, तो सिलेक्ट करके हम लोग मॉडिफाई में जाएंगे। मैडम, इसको एंगल मिनिमम कितना दे सकते हैं? 45, 50? एंगल नहीं दिया मैंने, सिर्फ फ्रंट व्यू पे जाके उसको हाइट दिया, मतलब मेरा रूम का सही। जो हाइट है उससे और थोड़ा ज़्यादा हाइट पे रखना है, बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं, मिनिमम समझ लो मेरा वॉल ही 10 फीट का है, तो मैं हाँ सनलाइट को 13 to 14 फीट का हाइट में रखूंगी, तो वो थोड़ा एज्यूम करके अपने को रखना पड़ेगा, ओके। हाँ और ये सनलाइट को हम लोग अभी मॉडिफाई करेंगे, इंटेंसिटी जो है वो चेंज अभी नहीं करना है क्योंकि सनलाइट जो है वो नेचुरल रहता है, उसका लाइट का कितना ब्राइटनेस चाहिए वो तो हम लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो ऐसे ही है नेचुरली है वो। इंटेंसिटी नहीं चेंज करना है, कलर नहीं चेंज करना है, ये भी कलर नेचुरल कलर आता है जो भी है। साइज आप चेंज कर सकते हो, अभी समझ लो मैंने 5 रख दिया, ये देखो साइज चेंज हो रहा है, हो रहा है वो साइज यानी हाँ क्या, तो मुझे सनलाइट कितने चाहिए मतलब रिफ्लेक्ट जो है वो कितना आना चाहिए अंदर, तो ये साइज उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। सर्कल चेंज हो रहा है ना, सर्कल सर्कल बड़ा। का, हाँ, फिर देखो नीचे आएगा ऑप्शन शैडो बेस, मतलब अगर आपको इसमें शैडो चाहिए तो आप डाल सकते हो, 16 रख सकते हो, उससे भी ज़्यादा चाहिए तो बड़ा देना, वैसे शैडो आ जाएगा सन का। और नीचे है फोटोन इमिट रेडियस, अभी ये रेडियस बढ़ा दूंगी, देखो वो रेडियस बढ़ रहा है ना, तो वो रेडियस बढ़ा सकते हो, कितने एरिया में चाहिए, ओके। इसमें भी मैंने ना विंडो के आगे देखो कर्टन डाला है, कर्टन थोड़ा बीच में से गैप होना चाहिए क्योंकि कर्टन के बीच में से आ रहा है लाइट, पूरा कर्टन डाल दूंगी तो आएगा ही नहीं ना, अपना घर में ही देखो ना पूरा कर्टन डालते हैं, सन रिफ्लेक्शन तो आता नहीं है ना, हम लोग ज़्यादा गर्मी लगते तभी कर्टन डाल देते ना, तो इसके लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं बीच में से पहले डिस्टेंस रखूंगी, स्केल कर दो जो कर्टन्स रहेगा अपना, तो ये एक साइड में रहेगा और दूसरा वाला एक साइड में रहेगा।
अभी इतना गैप हो गया ना बीच में, तो उधर से अपना सनलाइट अंदर आएगा। ओके, ये आप कर रहे हो ना लैपटॉप पे काम, चालू है ना? हाँ, कितना हुआ है वो? कैमरा डालना है। हाँ, और ये लाइट डाल के भी रेंडर करो, समझेगा एटलीस्ट। अभी ये टाइम लेगा, इधर से दिखेगा फिर अपने को, देखो वो ट्राई करके हो जाएगा। देखो ना, दिख रहा है ना? अभी वो क्लियर नहीं हुआ है बट समझ में आ रहा है। अक्षय को दिख रहा है क्या? अक्षय किधर गई? हाँ मैम, देखो ये अपने को लाइट्स डालना है। अभी मैं ये क्लोज कर रही हूँ, तुम लोग करो। इसमें दिख रहा है बट क्लियर नहीं हुआ इमेज, तो ऐसे लगेगा। ठीक है, ये अपना सन हो गया। हम लोग ने ऑलरेडी रेक्टेंगुलर लाइट देखा है और डोम लाइट भी देखा है, बराबर। आईएस लाइट देखते हैं अभी। अभी आईएस लाइट है क्या? एक बार मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखा देती हूँ। आईएस लाइट ये देखो। मैम, हाँ हाँ बोलो ना। वो सनलाइट है, वो हर विंडो में डालना है। हर विंडो में नहीं, अगर आपको लिविंग रूम में दिखाना है वो डाल सकते हो, बेडरूम में भी दिखा सकते हो। डिपेंड है कि मुझे कौन से रूम में सन इफेक्ट दिखाना है, उसके हिसाब से दिखाओ आप। हाँ, ठीक है, ये है अपना आईएस लाइट। ऐसे लाइट हम लोग ने, आप देखोगे ना, बड़ा बड़ा शॉप रहता है, डुमली में भी है बहुत सारे शॉप। उस पे देखो उसका नेम प्लेट रहता है, मतलब वो शॉप का जो भी नेम रहता है उस नेम के ऊपर ना ऐसे वो लाइट्स लगाते हैं, मतलब नेम जो है वो हाईलाइट होता है। या फिर अपना रूम में रहता है ये, लिविंग रूम में वॉल में रिफ्लेक्शन आता है, या फिर लाइट हम लोग लगाते हैं और उसका रिफ्लेक्शन ना अपना फ्लोरिंग के ऊपर गिरता है, वो आईएस लाइट ही होता है। ठीक है, ये लाइट्स अपने को डालना है अभी यहाँ पे। मैडम अभी सब जो अपना घर हॉल किचन और आईएस लाइट जब डालोगे ना तो उसका एक फोल्डर रहता है, वो फोल्डर मैं दे दूंगी आपको कॉपी करके, पेन ड्राइव लेके आना, नेक्स्ट वीक को देती हूँ मैं। वो फोल्डर के अंदर अपने को 30 लाइट्स दिखेगा, मतलब इमेज मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पास जो 30 लाइट्स है वो कैसे दिखता है। हर एक का रिफ्लेक्शन अलग अलग है और ट्रांसपेरेंसी जो है वो अलग अलग है, तो मुझे कैसे लाइट चाहिए मैं इमेज देख के चेक करूँगी। ये इमेज लोड हो रहा है, ये देखो ये 30 लाइट्स, अच्छा। सबका अलग अलग है। ये तो थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम दिख रहा है ब्राइटनेस, ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, ये इसका अलग ही है, मतलब सबका अलग अलग दिखता है। तो अपने को कौन सा लाइट डालना है वो अपन सिलेक्ट करेंगे। सब इधर से इमेज देख के पहले फिक्स करो, समझ लो मुझे चाहिए 5 नंबर का लाइट। तो मैं फिर से मेरे फाइल में जाऊंगी और वो लाइट मुझे चाहिए ये जो बेडरूम है, बेडरूम वाला इधर का जो वॉल है वहाँ पे चाहिए मुझे, बेडरूम के यहाँ पे वॉल में, यहाँ पे। तो मैं वो वॉल को फिक्स कर दिया। अभी मैं टॉप व्यू में तो नहीं हूँ ना, वो साइड का वॉल में हो जो साइड में मुझे चाहिए लाइट, समझा? अक्षय समझ रहा है? हाँ मैम, नहीं समझा तो पूछो। ये हो गया था, ये हो गया। हाँ, आईएस लाइट क्लिक करने का, क्लिक करने के बाद यहाँ से उसको प्लेस करो। अभी देखो ये रिफ्लेक्शन मुझे नीचे तक चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये वॉल के यहाँ तक ही चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं चाहिए। तो मैं वहाँ तक मेरे लाइट्स को प्लेस कर दिया। ओके, प्लेस करने के बाद हम लोग को क्या करना था? 5 नंबर वाला लाइट्स चाहिए था। हम लोग मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में देखो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आईएस फाइल,
आईएस फाइल में दिख रहा है नन करके दिख रहा है, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद मेरा आईएस का जो लाइट्स थे उसका फोल्डर किधर है, तो वहां पे जाऊंगी मैं। मुझे फाइव नंबर वाला लाइट्स चाहिए था, मैं उसको सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगी, वो नंबर के लाइट्स आ जाएगा। समझा कैसे लिया मैंने? हेलो। दिख रहा है ना? हाँ फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आईएस लाइट का कलर क्या चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे थोड़ा वार्म लाइट कलर चाहिए, पिंक चाहिए, रेड या ब्लू, नियॉन कलर में जो भी रहेगा वो सेट करो लाइट कलर। और उसके इंटेंसिटी, ये यहाँ पे देखो इंटेंसिटी वैल्यू ये चेंज करना है। और ये जो लाइट्स है इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, कभी कभी 30,000, 50,000 इतना भी जाता है इसका इंटेंसिटी। सनलाइट का जैसे हम लोग ने देखा था, चेंज ही नहीं करना था सनलाइट का इंटेंसिटी। रेक्टेंगुलर जो लाइट्स था उसका इंटेंसिटी हम लोग चेंज कर रहे हैं एक्चुअली। मतलब कितना रखा था, 50 रखा था। 50 में अगर बराबर लग रहा है तो ओके वैसे रखेंगे, अगर 50 में नहीं लग रहा है तो हम लोग उससे ज़्यादा रख रहे थे, 100, 150 ऐसा रख रहे थे। लेकिन आईएस लाइट जो है उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखना है अपने को। अभी फिलहाल मैं 1500, 15,000 तक रख देती हूँ, ठीक है? फिलहाल इतना रखा है मैंने। और क्या करना है, तो टॉप व्यू में जाके ये देखो, ये लाइट्स अभी वो व्यू में ना अपने को बराबर लग रहा था, ऐसे लग रहा था ना वो वॉल में अटैच है। टॉप में जब जा रही हूँ तो लाइट्स मुझे बाहर दिख रहा है। पूरा सिलेक्ट करके लाइट्स को अटैच करो वॉल के साथ, देखो। ओके, फिर कॉपी कर दो। अभी एक लाइट तो नहीं आएगा, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके अब मुझे कितना लाइट्स चाहिए वो भी मैं इंस्टेंस पे ही कॉपी करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वाले लाइट में कलर और इंटेंसिटी सब चेंज किया है, इसके लिए मैं इंस्टेंस पे ही करूंगी। एक चेंज किया तो सारे चेंज ही होना चाहिए। डाल दिया, ये लाइट्स एक एक्स्ट्रा हो गया, उसको डिलीट कर दो। आ गया मेरा लाइट्स, बाद में इसको रेंडर कर देना है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं कैमरा कैसे प्लेस करना है। कैमरा में हम लोग को वीरे कैमरा सिलेक्ट करना है, ओके? वीरे कैमरा में फिजिकल कैमरा लेना है और उसको यहाँ से प्लेस कर देना। अभी मुझे ये एंगल से देखना है ना व्यू, तो मैं ये एंगल से कैमरा प्लेस करूँगी। अगर मुझे ये साइड का व्यू देखना है, मैं ये साइड में, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है कभी भी कैमरा को, मिनिमम रखो उसको, छोटा रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है? कैमरा प्लेस हो गया, फ्रंट व्यू पे जाएंगे हम लोग कैमरा को हाइट देने के लिए। कैमरा देखो ग्राउंड ग्राउंड पे है, बेस पे है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जेड एक्सेस पे हाइट दे देंगे। एक मैं 3 फीट का हाइट दे देती हूँ। राइट क्लिक, सिलेक्ट कैमरा टारगेट, उसको भी उतना ही हाइट दो जितना कैमरा का हाइट है, जेड एक्सिस पे। जेड एक्सेस को। अभी मैं सी प्रेस करूंगी मेरे कैमरा व्यू में जाने के लिए। किया सी सी, तो मुझे ये दिख रहा है। मुझे इसको जूम आउट करना है क्योंकि मुझे बहुत नजदीक का व्यू दिख रहा है इसके लिए। तो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कैमरा में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई करना है कैमरा को जैसे लाइट्स को हम लोग ने मॉडिफाई किया था। यहाँ पे दिख रहा है फिल्म गेट और फोकल लेंथ, ये दोनों चेंज करना है। देखो ये जूम आउट जूम इन करेगा। ओके, वो भी आएगा। फिर शटर स्पीड जो है वो 100 रखना है। थोड़ा सा नीचे जाओगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे देखो वाइट बैलेंस है, तो वाइट बैलेंस अपने को न्यूट्रल रखना है। ओके, मुझे प्रॉपर हॉरिजॉन्टल व्यू में चाहिए, तो मैं गेस हॉरिजॉन्टल टिल्ट कर दूंगी,
तो कैमरा क्या हो जाएगा, पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कुछ भी किधर भी एंगल नहीं रहेगा। एंड देन रेंडर अपना जो देखते हैं वो करना। अब व्यूज बनाओगे ना, और बहुत मतलब MB बहुत ज्यादा वाला व्यू रहेगा आपका प्लान में, बहुत फर्नीचर बहुत ज्यादा काम किया हुआ रहेगा, फिर टाइम लेगा वो रेंडर होने को, क्योंकि उतना बड़ा फाइल है ना मेरा भी इसके लिए। ये देखो यहाँ पे है लाइट मेरा, ये देखो। ग्रीन लाइट दिख रही हाँ ये ग्रीन क्यों दिख रहा है, एक्चुअली ग्रीन नहीं है वो, प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ ना। वॉल येलो। मेरा थोड़ा येलो है ना, और मैंने अभी नियॉन कलर थोड़ा ब्लू ब्लू कलर का लाइट रखा है ना, इसके लिए ऐसा दिख रहा है वो, दोनों मिक्स होकर। आप टेक्सचर्स डाल रहे हो ना, और मुझे काम चाहिए अभी नेक्स्ट वीक को, क्योंकि ये वीक को भी आप मतलब आए नहीं, या फिर हुआ नहीं अपना ऐसे मिले नहीं, लेक्चर नहीं हुआ, तो घर पे ही हो, काम करके लाओ उतना कंप्लीट हो जाएगा। और आज जो लाइट सिखाया है वो लाइट डाल के अलग अलग व्यू से रेंडर करके लाओ मुझे, दिखाओ। गलत रहेगा तो भी चलेगा, मैं देखूंगी तो समझ में आएगा क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से करेंगे हम लोग, जो भी रहेगा करेक्ट करेंगे फिर उसको। देखो दिख रहा है ये लाइट ना, आप टेबल लैंप पे भी यूज कर सकते हो। देखो हो रहा है ना ये, और क्लियर होगा तो और अच्छा दिखेगा फिर वो, ठीक है। तो ये करना है आपने को, राइट क्लिक करके है ना ऑप्शन कहाँ क्या बोल से रहे गया, हो? या अभी विंडो कहाँ से आया आपने जो सिलेक्ट किया वो छोटा सा विंडो आया ना लेफ्ट साइड में। वो रेंडर में ऑटोमेटिकली आता है, समझे क्या वो रेंडर। हाँ अभी अपने को रेलिंग डालना है ना, ये मेरा विंडो है, इसके बाहर मेरा बालकनी है। रेलिंग हम लोग ने देखा था फर्नीचर जो जहाँ से हम लोग डाउनलोड किए थे, वहाँ पे तो हम लोगों को मिल ही रहा था ऑलरेडी अलग अलग डिज़ाइन का, वो ले सकते हैं जैसे फर्नीचर लिया है। बट अगर मुझे जो 3D Max के अंदर वाला रेलिंग है वो लेना है, तो कैसे लेना है, पहले मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। ये ऐसे लाइन ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे चाहिए मुझे मेरा रेलिंग, ये जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया वैसे चाहिए। ओके तो क्या करना है, हो ना दोनों। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, क्लिक करके AEC एक्सटेंड वाला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे जाना है, उसमें रेलिंग है, ये रेलिंग एक कैसे भी रेलिंग बाहर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अभी ये तो स्ट्रेट रेलिंग है, और मैंने लाइन कैसे ड्रॉ किया, तो L शेप में ड्रॉ किया है, वैसे शेप में मुझे रेलिंग चाहिए। ये सिलेक्ट किया मैंने रेलिंग को, मॉडिफाई में जाएंगे तो ऑप्शन आएगा, ऊपर जाओगे ना स्क्रॉल करके, पिक रेलिंग पाथ, ये क्लिक करके लाइन को और सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट किया, ऑप्शन आएगा इसमें, देखो सेगमेंट, हाँ सेगमेंट डाल दो, हो रहा है ना। ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं ना, हाँ ये देखो देखो अभी आप ये इधर डायरेक्ट। हाँ आप जैसे लाइन ड्रॉ करोगे उसके हिसाब से वो बनेगा दिल। अभी आपने ऐसे ड्रॉ किया था। हाँ फिर आपका जो टॉप रेल है वो स्क्वायर में चाहिए राउंड में चाहिए वो डालो, उसका डेप्थ कितना चाहिए और विड्थ कितना चाहिए वो ले लो। रेलिंग हाइट, अपना रेलिंग हाइट मिनिमम 3 फीट में रहता है तो वो डालना है, ठीक है। और फिर देखो लोअर रेल, ये टॉप रेल हो गया, ये जो है सेकंड वाला वो लोअर रेल है, तो लोअर रेल में अगर मैं ये सेटिंग में जा रही हूँ, तो अगर मुझे चाहिए और एक चाहिए, डाल दिया मैंने, देखो और एक ऐड हो गया, और एक चाहिए,
आ गया, आपको कितना लोअर रेल चाहिए आप डाल सकते हो, वो भी आपको कौन से शेप में चाहिए, मैंने राउंड रखा, ये भी आपको थिकनेस कितना चाहिए, विड्थ एंड ये जो है डेप्थ दोनों का थिकनेस सेम रखना है। हाँ अलग अलग रखोगे तो ऐसा चपटा दिखेगा, ओवल शेप में दिखेगा, प्रॉपर राउंड में चाहिए तो दोनों का साइज सेम रखना है। पोस्ट पोस्ट अपने को कैसे चाहिए, तो पोस्ट में जाएंगे, वो भी कितना चाहिए ऐड कर देंगे, क्लोज पोस्ट भी अपने को स्क्वायर में चाहिए कि राउंड में चाहिए वो भी अपन चेंज कर सकते हैं, और उसका भी डेप्थ और विड्थ चेंज हो जाएगा। ओके और ये वाला कौन सा है, तो वो उसमें भी पोस्ट अप्लाई हो रहा है, ये जो है ये साइड का पोस्ट है, मतलब दो वर्टिकल पोस्ट लाइन। वर्टिकल लाइन से, हाँ वो भी अपन विड्थ एंड हाइट चेंज करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो गया, वो शेप का रेलिंग बन गया। अब ये रेलिंग कहाँ पे चाहिए, उधर हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे रेलिंग को। क्लियर है रेलिंग का कैसे डाला, पे ग्लास रेलिंग भी डाल सकते हैं ना, जो अभी नया पैटर्न आया है वो। हाँ डाल सकते हैं ना, वो आप डाउनलोड करो ना, अलग अलग शेप का है ना अपने पास, जहाँ से आप लोग ले रहे हैं वहाँ से ले हाँ लेंगे। और ग्लास का। हाँ हम लोग ने लास्ट टाइम भी किया था ना, अक्षय नहीं थी तभी, तभी वैसे वाला करेंगे, ठीक है।